हाय एवरीवन, दिस इज मनोज, योर जर्मन कोच। सो हमारे आज इस सेशन में हम बात करेंगे वापस से प्रेपोजिशंस के बारे में। अब प्रेपोजिशन एक इतना क्रूशियल टॉपिक है कि ये A1, A2, B1 ये लास्ट मिनट तक इट डिस्टर्ब्स एवरी लर्नर। ठीक है, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करो उतना कम है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अकुजाटिव प्रेपोजिशंस, स्टार्टिव प्रेपोजिशंस एंड वेक्सल, जो टू वे प्रेपोजिशंस है। दीज आर द प्रेपोजिशंस विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन माई टूडे सेशन। सो दिस इज the topic for prepositions and we will be talking about every single thing in detail, the difference between accusative, dative and vexillary preposition. Okay, so this is how we identify the difference between accusative, dative and vexillary. तो पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी prepositions accusative होती हैं, कौन सी dative होती हैं and कौन सी हमारी vexillary होती हैं. Okay, so we have a small chart here. In this box on the right side where dative is written, so these are the prepositions which we have dative: aus, nach, seit, bei, mit, außer, gegen, über, von, zu. Okay, so these are my dative prepositions which we can learn as snap back, as we know earlier, we have learnt it earlier. Snap back is an acronym which we need to learn dative prepositions. Okay, then on the right side we have accusative prepositions. Accusative prepositions hamare sath hoti hain, which we have bis, ohne, für, gegen, durch, entlang, hum. वन बाई वन सारी प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आज। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, इन द मिडल दिस पर्टिकुलर सेक्शन द बॉक्स वेयर वेक्सल प्रेपोजिशंस रिटन, इट शोज दीज आर दोज प्रेपोजिशंस व्हिच वर्क्स एज अक्यूजेटिव एंड डेटिव। किन केसेस में ये अक्यूजेटिव होती हैं, किन केसेस में ये डेटिव होती है, दैट इज व्हाट विच इज शोन हियर। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्सल प्रेपोजिशन, वी नीड टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। एक, क्या तो किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, दैट मीन्स इज देर एनी चेंज ऑफ पोजिशन, एनी चेंज ऑफ लोकेशन, एनी मूवमेंट, राइट। कोई चीज प्लेस ए से प्लेस बी पर जा रही है तो वो अक्यूजेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन टेबल पर रख रहा हूँ, आई एम कीपिंग द पेन ऑन द टेबल। इन दिस केस द फर्स्ट पोजिशन ऑफ पेन वॉज इन माई हैंड, मेरे हाथ में था। अब नाउ मैं उसको टेबल पर रख रहा हूँ, नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द पेन इज टेबल। तो जब भी हमारे पास चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ प्लेस होता है तो वी यूज दीज प्रेपोजिशंस एज अक्यूजेटिव। अगर कोई चेंज ऑफ पोजीशन है ही नहीं, देन वी यूज दीज प्रेपोजिशंस एज डेटिव। सो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, वेदर वी हैव वो, वो मींस कोई चीज कहां पे है, वेयर इट इज, स्टेशनरी पोजिशन है, कोई चेंज ऑफ मूवमेंट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वोहिन। वोहिन मीन्स कोई चीज कहाँ पे जा रही है या कहाँ पे रखी जा रही है। वी आर, यू आर गोइंग टू प्लेस दीज थिंग्स और यू आर गोइंग टू पुट समथिंग समवेयर, देन इट इज अक्यूजेटिव। फ्यू एग्जांपल्स आर इन डेम क्यूल श्रांक, व्हेन इन डेम, व्हाई इन डेम, बिकॉज कोई चीज फ्रिज रेफ्रिजरेटर में पड़ी है, समथिंग इज इन द रेफ्रिजरेटर, कोई चेंज ऑफ पोजिशन नहीं है, इट इज देयर, दैट इज व्हाई इट इज डेटिव। सेम इन इज यूज्ड एज इन डेन क्यूल चरांग, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि मैं कोई चीज रेफ्रिजरेटर में रख रहा हूँ। इस स्टेलर एटवास इन डेन क्यूल चरांग, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू सी फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। वेयर फॉर एग्जाम्पल, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच वी हैव विद डेटिव प्रेपोजिशन। सो द फर्स्ट वन वी हैव आउस, इस कॉमा आउस डेली, डेयर टिश इस्ट आउस हॉल्स, बाय heute werde ich bei ihm übernachten, ich habe deutsch bei ihm gelernt, mit, wir fahren mit dem bus, ich bin gerade mit meinem freund ins kino, nach, wir fahren nach agra, nach meiner meinung ist es nicht richtig, seit 2011 lerne ich deutsch, zu, ich gehe zu meiner Tante. Wir sind zu Hause. Außer. Alle sind hier, außer meiner Freundin. Gegenüber. Er wohnt der Straße gegenüber. Von. Der Brief ist von meinem Vater. Ich habe das Auto von ihm ausgeliehen. Na, अगर हम यहाँ पर देखें, preposition के बाद कोई भी noun आ रहा है, वो dative particle carry कर रहा है हमेशा। तो ये वो प्रेपोजिशन है जहाँ पर हमारे पास डेटिव आर्टिकल या डेटिव प्रोनाउन यूज होगा ही होगा। वी डू नॉट हैव एनी ausnahme, ausnahme इज एक्सेप्शन टू इट। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस। अक्यूजेटिव, बिस, वी मिसन बिस ड्राइसिन उवर लर्नन, ओन,
Ich kann ohne dich nicht gehen. Für. Ich kaufe die Jacke für meinen Vater. Um. Wir kommen um 9 Uhr. Er fährt das Auto um das Haus. Durch. Du musst durch den Park gehen. Entlang. Ich fahre den Fluss entlang. Gegen. Du bist immer gegen mich. अगर इन प्रपोजिशंस की बात करें तो हमारे पास जब भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अक्यूजेटिव ही होगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्सल प्रपोजिशन जो हमारी टू वे प्रपोजिशंस है. तो अब इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन इन बोथ द वेज, अक्यूजेटिव भी और डेटिव भी. किस केस में एक ही सिचुएशन अक्यूजेटिव होगी, किस केस में द सेम सिचुएशन इज गोइंग टू बी डेटिव. फॉर एग्जाम्पल, हमारी फर्स्ट प्रपोजिशन स्विशन, विच मीन्स बिटवीन. इश स्टेले डेन स्टूल स्विशन डी सोफास. आई एम कीपिंग द चेयर बिटवीन द सोफास. दैट मीन्स द फर्स्ट पोजिशन ऑफ चेयर वॉज विद मी एंड नाउ द पोजिशन ऑफ चेयर इज गोइंग टू बी बिटवीन द सोफास. चेंज ऑफ पोजिशन, पोजिशन चेंज हो रही है यहाँ पे. जब आप कोई चीज़ कहीं रखोगे, पहली पोजिशन तो आपके पास, दूसरी चीज पोजिशन जो चीज़ वहाँ पर जाएगी. ओके, सो इट इज इश टेल डेन स्टूल स्विशन डी सोफास अक्यूजेटिव. अब नेक्स्ट में देयर स्टूल इज स्विशन डेन सोफास. जो चेयर है दैट इज बिटवीन द टेबल. अब उसकी पोजिशन स्टेशनरी है, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज देयर इट सेल्फ. सो वो डेटिव. उन्टर. Ich lege die Zeitung unter den Tisch. Die Zeitung ist unter dem Tisch. In the first example, position was with me. Now, and I kept the Zeitung under the table. It is second position. In dative, the position was stationary. Neben. Er legt das Sofa neben das Fenster. Das Sofa ist neben dem Fenster. Über. Er hängt die Uhr über die Tür. Die Uhr ist über der Tür. Hinter. Sie geht hinter das Haus. Sie ist hinter dem Haus. In the first one, she was somewhere else. She was going behind the house. Now in the dative, she is behind the house. Stationary position. Auf. Ich lege den Kuli auf den Tisch. Der Kuli ist auf dem Tisch. For. Wir gehen for das Haus. Wir stehen for dem Haus. Stationary position. An. Er hängt die Tafel an die Wand. Die Tafel hängt an der Wand. In. Er geht ins Kino. Change of position. Dative. Er ist gerade im Kino. Alright, so this is how we use the different, we use the accusative and the dative and the vexillary preposition. It is very simple to identify. There are few default preposition which are always accusative. There are always default preposition. Okay, so here we have seen how vexillary prepositions can be used as accusative, how vexillary prepositions can be used as dative. Okay, so rule is very simple. If there is a change of position, vexillary preposition is going to play as accusative. If there is no change of position, vexillary prepositions are going to play the role of dative. I have cup in my hand, dative. I am keeping the cup on the table, accusative. The cup is on the table. So you may dative. Please ask any question in the comment section. If you have any question regarding vexillary, accusative or dative preposition, I'll be able to answer all of your questions as early as possible. And to practice, you will find few links to practice vexillary preposition in the description box. So, see you next time with another topic. Thank you very much. Have a great day.